Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am discussing about Salman Rushdie. So friends, before beginning this lecture, I want to inform you that I have made a separate video lecture in which I have discussed about several other post-colonial critics, and also I have discussed about post-colonial theory background. So if you are listening these lectures for the first time, so my request to you is that please visit my channel's playlist and listen to my previous lectures so that you are able to relate the things. And now I am proceeding with the new lecture, and today in this lecture I am discussing about Salman Rushdie. So he was also a post-colonial critic included under literary theory. And friends, I am explaining these all in Hindi as well as in English. So first of all, I am giving his introduction. So let's start. इनका पूरा नाम था सलमान रश्दी का पूरा नाम था सर अहमद सलमान रश्दी, एंड ये इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट थे. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये इंडियन बॉर्न यानी इंडिया में बॉर्न हुए थे, बट ये ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट थे और साथ ही साथ एसेज थे. हिज वर्क कम्बाइन मैजिकल रियलिज्म. प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट टू कि इनके जो वर्कस में हैं हम देखते हैं ज़्यादा मैजिकल रियलिज्म होता है विद हिस्टोरिकल फिक्शन. हिस्टोरिकल फिक्शन के साथ साथ मैजिकल रियलिज्म होता है. सो फ्रेंड्स, मैं मैजिकल रियलिज्म क्या होता है आगे हम मैं और भी लेक्चर्स बनाऊंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि मैजिकल रियलिज्म क्या होता है. सो हिज वर्क कम्बाइंड मैजिकल रियलिज्म विद हिस्टोरिकल फिक्शन, एंड ही वॉज बॉर्न इन June 1947. करेंटली ही इज अलाइव एंड हिज एज इज 73 ईयर्स. And he was born in Mumbai, and he received many awards. First is Booker Prize, the best of the Booker, Hans Christian Andersen Literature Award. Please remember these awards too, as they can be asked in your UGC NET English Literature exams. So first award he received was Booker Prize, second the best of the Booker, third is Hans Christian Andersen Literature Award. Now in this lecture I am talking about imaginary homeland. कि ये इमेजिनरी होमलैंड क्या था. ये एक तरह का कलेक्शन ऑफ एसेज था जो कि सलमान रश्दी द्वारा लिखा गया था. इट्स अ कलेक्शन ऑफ एसेज एंड क्रिटिसिज्म. इसमें क्या था, इमेजिनरी होमलैंड में एसेज है, बहुत सारे एसेज है जो कि कंपाइल किए हुए हैं, एंड उन्हें जो है कंपाइल करके एक नाम दे दिया, इमेजिनरी होमलैंड. सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ एसेज एंड क्रिटिसिज्म दैट प्रेजेंट्स हिज व्यूज ऑन वेरियस टॉपिक्स. कि इस मतलब इस बुक के अंदर, इमेजिनरी होमलैंड के अंदर, बहुत सारे एसेज हैं और साथ ही साथ क्रिटिसिज्म्स हैं जो कि सलमान रश्दी के व्यूज़ बताते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, जो कि पॉलिटिक्स पे, मतलब पॉलिटिक्स, रिलीजन और कल्चर पे सलमान रश्दी के क्या व्यूज़ थे. सो ये इमेजिनरी होमलैंड में इस बुक में जो है लिखा गया है कि सलमान रश्दी पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर के बारे में क्या सोचा करते थे. और ये इमेजिनरी होमलैंड जो है ये एसेज है, कलेक्शन ऑफ एसेज है जो कि सलमान रश्दी द्वारा लिखा गया है. सो ये बताते हैं, ही एक्सपोज न्यूसेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईस्ट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. कि मतलब ये बताते हैं कि किस तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड ने यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ईस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में कैसे मतलब किस तरह से उन्हें पोर्ट्रे कर रखा है. सो ये जो है इस बुक में यानी इन एसेज में ये सब मतलब इन सब के बारे में बताते हैं कि किस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ईस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में बता रखा है. सो न्यूसेंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईस्ट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड ही इज़ अ डायस्पोरिक राइटर. प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट टू कि ये जो थे सलमान रश्दी, ये एक डायस्पोरिक राइटर थे. मतलब डायस्पोरिक राइटर का मतलब, अगर आपने मेरा पोस्ट कॉलोनियल पर बैकग्राउंड सुना होगा तो मैंने उसमें बताया था कि डायस्पोरिक राइटर्स वो होते हैं जो अपने होमलैंड को छोड़कर किसी दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ से लिख रहे होते हैं, उन्हें डायस्पोरिक राइटर बोला जाता है. मतलब होम लैंड से शिफ्ट होकर होस्ट लैंड में रहने लग जाते हैं, उन्हें कहा जाता है डायस्पोरिक राइटर. सो सलमान रश्दी भी उनमें से एक डायस्पोरिक राइटर थे. सो ही रिप्रेजेंट्स रियल इंडिया इन हिज वर्क्स, एंड ही कैन रिप्रेजेंट इन सच अ वे दैट रीडर फ्रॉम वेस्ट कैन ऑल्सो रिलेट. कि ये जो है अपने वर्क्स में रियल इंडिया के बारे में बात करते हैं, रियल इंडिया को जो है पोर्ट्रे करते हैं, और इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड के यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग भी जो है अपने आप को मतलब उनके वर्क से रिलेट कर पाते हैं. देन
सलमान रश्दीज व्यू ऑन डायस्पोरिक राइटर, कि मतलब इनका क्या सोच, मतलब ये क्या सोचते हैं डायस्पोरिक राइटर्स के बारे में। द मेन चैलेंज इज़ दैट यू लूज योर पास्ट टू द प्रेजेंट, कि सबसे बड़ा डायस्पोरिक राइटर के लिए क्या चैलेंज होता है कि आप जो है अपना पास्ट प्रेजेंट में रहकर जो है भूल जाते हो, जहाँ आप रह रहे होते हो, मतलब जहाँ मतलब आप होमलैंड को, अपने होमलैंड को जहाँ पर आप बॉर्न हुए हुए हो, वह उस चीज़ को मतलब उस जगह को छोड़कर आप होस्ट लैंड में रहने लग जाते हो। तो इनका कहने का मतलब है कि आप पास्ट मतलब प्रेजेंट में रहकर जो है अपने पास्ट यानी होमलैंड को जो है भूल जाते हो। द मेन चैलेंज इज दैट यू लूज, आप लूज कर देते हो, मतलब अपने प्रेजेंट में रहकर पास्ट को लूज कर देते हो। पास्ट यहाँ पर किस सेंस में बोला गया है, होमलैंड के सेंस में बोला गया है। द मेन चैलेंज इज दैट यू लूज योर पास्ट टू द प्रेजेंट। देन पास्ट इज़ देयर विजन अबाउट देयर होम। पास्ट का क्या मतलब है कि पास्ट का मतलब डायस्पोरिक राइटर के लिए क्या है कि मतलब उनके होम के बारे में विजन करना, सोचना। पास्ट इज़ देयर विजन अबाउट देयर होम, नाउ पास्ट इज़ अनअटेनेबल फॉर देम, कि अब वो जो है पास्ट उनके लिए अनअटेबल है, यानी वो जो है अपने पास्ट में वापस नहीं जा सकते, पास्ट यानी होमलैंड में वापस नहीं जा सकते, बिकॉज दे आर लिविंग इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो जो है किसी वर्ल्ड के किसी अदर पार्ट में रह रहे हैं। इट्स माई प्रेजेंट दैट इज़ फॉरेन। अब क्या होता है डायस्पोरिक राइटर के लिए जो है प्रेजेंट जो है फॉरेन की तरह मतलब हो जाता है, क्योंकि वो जहाँ पे रह रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं होस्ट लैंड। सो वो होस्ट लैंड में जो है उनको एडजस्टमेंट करने में काफ़ी दिक्कतें आती है। सो वो जो है अपने आप को जो है जिस लैंड में, होस्ट लैंड में रह रहे होते हैं, उस कल्चर के साथ एडजस्टमेंट दिखाने में जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो एडजस्ट नहीं कर पाते, उन्हें बार बार अपने होम लैंड की याद आती रहती है। सो home is lost and it can never be it's my past that is foreign, the past is home, कि मतलब जो मेरा present है वो मेरे लिए foreign बन गया है, मतलब foreign का मतलब जहाँ पे मैं रह तो रही हूँ बट मैं अपने आप को जो है वहाँ के लोगों से जो है एडजस्टमेंट नहीं बिठा पा रही हूँ, मतलब एडजस्ट करने में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, और पास्ट जो है मेरा खुद का होमलैंड है। देन होम इज़ लॉस्ट एंड इट कैन नेवर बी गेन्ड, कि मतलब डायस्पोरिक राइटर के लिए ये मतलब वो ऐसा सोचते हैं कि होम जो है अब लॉस्ट हो चुका है, उसकी मेमोरीज जो है वो मतलब लॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि अब जो है वो उस मतलब अपने होमलैंड में वापस नहीं जा सकते। इट कैन नेवर बी गेन्ड। माइग्रेशन इज़ अबाउट लूजिंग वंस कंट्री, मतलब माइग्रेशन का डायस्पोरिक राइटर के लिए क्या मीनिंग है। माइग्रेशन का मतलब है कि वो जो है अपनी कंट्री को जो है लूज़ कर चुके हैं, लैंग्वेज को लूज़ कर चुके हैं, वहाँ के कल्चर को लूज़ कर चुके हैं, एंड फाइंडिंग वन सेल्फ फोर्स टू कम इन टर्म्स विद अनदर प्लेस। अब उन्हें फोर्स यानी मजबूर होना पड़ रहा है, मतलब जिस कंट्री में वो रह रहे हैं उस कंट्री के तौर तरीकों के साथ एडजस्ट करने में जो है उन्हें फोर्सली उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ रहा है, बट उनके माइंड में हमेशा यही चलता रहता है, अपने होमलैंड की यादें चलती रहती है कि उनका होमलैंड कितना अच्छा हुआ करता था, मतलब किस तरह से जो है मतलब लोग मिलजुल कर रहते थे। तो डायस्पोरिक राइटर के जो जब भी डायस्पोरिक राइटर लिखता है तो वो जो है अपने होमलैंड के बारे में मतलब डिस्क्राइब करता है होस्ट लैंड में रहकर। सो माइग्रेशन इज़ अबाउट वंस कंट्री, लैंग्वेज, वंस कल्चर, एंड फाइंडिंग वन सेल्फ फोर्स टू कम इन टर्म्स विद अनदर प्लेस। अनदर प्लेस का मतलब है होस्ट लैंड, अनदर वे ऑफ स्पीकिंग एंड थिंकिंग, कि मतलब अब जो है जहाँ पे वो रह रहे हैं अब उसे जो अब जो है उन्हें एक अलग लैंग्वेज का यूज़ करके लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, और अलग अलग की अलग अलग तरह की मतलब सोच विचार करना पड़ेगा, और ये जो है एक होस्ट लैंड में रहना एक अनदर व्यू है रियलिटी का। देन सो नेचर ऑफ मेमोरी इज़ वेरी फ्रेगमेंट्री, कि मतलब वो बताते हैं कि जो उनके पास्ट की मेमोरी है ना वो बहुत फ्रेगमेंटरी है, यानी बिखरी हुई है, मतलब उनके जो दिमाग में है पूरी मतलब अपने होमलैंड की पूरी यादें नहीं हैं, बिखरी हुई यादें हैं। इट्स गोइंग टू फेड अवे इन सम टाइम, जो कि अब जो है इवेपोरेट हो जाएगी कुछ टाइम बाद। देन लॉस ऑफ मेमोरी अबाउट द पास्ट, कि मतलब अब जो है वो अपने पास्ट की मेमोरीज़ को टाइम आने के साथ साथ भूलते चले जाएंगे, डायस्पोरिक राइटर का ऐसा सोचना होता है। देन पीपल हैव अ टेंडेंसी टू लुक बैक, कि डायस्पोरिक राइटर में क्या टेंडेंसी होती है कि पास्ट की तरफ देखें। पीपल हैव अ टेंडेंसी टू लुक बैक और रिक्लेम देयर पास्ट, बट द फिजिकल एलियनेशन फ्रॉम द पास्ट मीन्स,
कि मतलब वो बार बार पास्ट के बारे में सोचता है और पास्ट पर मतलब पास्ट को जो है वापस रिक्लेम करने की कोशिश करता है, बट द फिजिकल एलियनेशन फ्रॉम द पास्ट मीन्स दे विल नेवर बी एबल टू रिक्लेम. फिजिकल एलियनेशन का मतलब क्या है कि वो जो है अपनी होम लैंड से बिल्कुल दूर होकर होस्ट लैंड में जा चुके हैं. सो अब जो है उनको फिर रियलाइजेशन होता है कि वो अपने होम लैंड में फिर से कभी नहीं जा सकते हैं. और मतलब फिजिकल एलियनेशन फ्रॉम द पास्ट मीन्स दे विल नेवर बी एबल टू रिक्लेम प्रिसाइजली व्हाट दे हैव लॉस्ट, बट दे विल ओनली बी एबल टू क्रिएट. फिर क्या करते हैं वो जो है पास्ट में नहीं जा सकते और बस वो जो है अपने पास्ट की मेमोरीज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फिक्शन के थ्रू. नॉट फिक्शनल प्लेस बना सकते हैं, फिक्शनल प्लेस यानी मतलब वो जो है फिक्शन में जो है उनके बारे में लिख सकते हैं और उन मेमोरीज में जाकर जो है रियलाइजेशन कर सकते हैं. बट अब जो है उनका रियल सेंस में जो है वापस होमलैंड में जाना मुश्किल है. बट दे विल ओनली बी एबल टू क्रिएट फिक्शन, नॉट एक्चुअल प्लेस बट इनविजिबल वंस. कि फिक्शनल प्लेस क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक्चुअल प्लेस नहीं होता, ये इनविजिबल प्लेस बन जाता है. हिज आइडिया ऑफ इंडिया इज ओनली जस्ट अनदर वर्जन ऑफ ऑल द हंड्रेड्स ऑफ वर्जन. कि ये जो है इंडिया के बारे में उस तरह से सोचते हैं जिस तरह से मतलब इंडिया के बाकी लोग सोचते हैं. हिज आइडिया ऑफ इंडिया इज ओनली जस्ट अनदर वर्जन ऑफ ऑल द हंड्रेड ऑफ वर्जन. देन अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में सलमान रश्दी की क्या व्यूज़ है. देन ये बोलते हैं सलमान रश्दी टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट सबवर्ट्स द ट्रुथ एंड रियलिटी पोर्ट्रेड बाई द वेस्ट अबाउट इंडिया. कि मतलब इनका कहना है कि इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से जो है जिस तरह से इंडिया को जो है वेस्ट मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का अगर इंडियंस जो है इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो है एक्चुअल ट्रुथ और साथ ही साथ रियलिटी जो है सबवर्ट यानी बदल जाएंगे. जो इंडियंस अपने बारे में मतलब बताना चाहते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके वो नहीं बता पाएंगे. सो इट सबवर्ट्स द ट्रुथ एंड रियलिटी पोर्ट्रेड बाय द वेस्ट अबाउट इंडिया. देन बाय यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द कॉलोनाइजर. कि अगर इंडियंस ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना ये कॉलोनाइजर की लैंग्वेज है यानी ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज है. अगर इंडियंस इनका यूज़ करते हैं यानी कॉलोनाइजर की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो रश्दी कहते हैं रश्दी ट्राइज टू रेप्लीकेट द स्ट्रगल विद इन हिमसेल्फ दैट कैन ऑल्सो बी द स्ट्रगल बिटवीन टू कल्चर्स. कि मतलब रश्दी जो है इस मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके ये बताना चाहते हैं कि हम जो है स्ट्रगल को जो है जो हमारी ब्रिटिशर्स यानी कॉलोनाइजर्स के साथ है हम उनकी स्ट्रगल को रेप्लीकेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं अपने आप में. रश्दी ट्राइज टू रेप्लीकेट द स्ट्रगल विद इन हिमसेल्फ दैट कैन ऑल्सो बी, जो कि वो स्ट्रगल सिर्फ रश्दी की नहीं है, वो स्ट्रगल है दो कल्चर के रहने के बीच में रहने वाले लोगों की. By using the language of the colonizer, Rushdie tries to replicate the struggle within himself. Then that can also be the struggle between two cultures. Then only by conquering the language of the colonizer, we attain complete independence. कि अगर हम जो है colonizer की language पर विजय प्राप्त करेंगे यानी उसमें मास्टरी कर लेंगे तब हम जो है अपने आप को कॉलोनाइजेशन के प्रोसेस से इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, हमें कोई कॉलोनाइज नहीं कर सकता. ऑब्वियस सी बात है अगर हमें कोई कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहा है तो मतलब हम जो है अगर उस कॉलोनाइज़र की लैंग्वेज को जान सकेंगे तब हम जो है उनके जो है टैक्टिक्स जान जाएंगे यानी स्ट्रेटजीज जान पाएंगे उन मतलब उनका षड्यंत्र यानी इंट्रीगिंग जिस तरह से वो कर रहे हैं. तो हम अगर उनकी लैंग्वेज को जान लेंगे तो हम जो है उनको उन्हीं के तरीके से जो है हरा कर जो है इंडिपेंडेंस प्राप्त कर लेंगे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन. देन कॉमनवेल्थ लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट. कि मतलब सलमान रश्दी का जो ऐसे है प्लीज़ रिमेंबर दिस ऐसे टू, इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर UGC नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स. सो इनका कहना है कॉमनवेल्थ लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट. ये फ्रेंड्स ऐसे का नाम है, कॉमनवेल्थ लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट. सो इसमें ये जो ऐसे है ये एक चैप्टर से लिया गया है, इमेजिनरी होमलैंड के एक चैप्टर से लिया गया है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट. मैं फिर से बताना चाहूँगी फ्रेंड्स ये इमेजिनरी होमलैंड एक बुक है जिसके चैप्टर से लिया गया है ऐसे और उस ऐसे का नाम है कॉमनवेल्थ लिटरेचर डज नॉट एग्जिस्ट.
सो ये कहते हैं, सलमान रश्दी कहते हैं, इट इज़ लिटरेचर ऑफ द कॉलोनीज, कि मतलब ये जो कॉमनवेल्थ लिटरेचर है ना, ये कॉलोनीज की लिटरेचर है, यानी नेटिव्स की लिटरेचर है जिनको ब्रिटिशर्स ने आकर कॉलोनाइज किया था. इट इज़ लिटरेचर ऑफ द कॉलोनीज विच हैड देयर डिपेंडेंसी, जिनकी डिपेंडेंसी है ब्रिटेन से, जिसमें एक्सक्लूड कर दिया जाता है इंग्लैंड को. सो ओल्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड वेल्थ इज, सो ये जो वेल्थ है ना, कॉमन का वेल्थ जो है, वेल्थ का ओल्ड मीनिंग क्या होता था, सबका वेल बीइंग करना, सबका वेलफेयर करना. देन कॉमनवेल्थ का अब जो है डेफिनेशन बदल चुकी है. सो अब सलमान रश्दी बताते हैं कि ब्रिटिश नेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिटीज फाउंडेड फॉर द कॉमन गुड, कि मतलब ब्रिटिश नेशंस या फिर उनकी पॉलिटिकल कम्युनिटीज को इसलिए फाउंड किया था ताकि सभी का भला कर सके, कॉमन गुड. देन दीज वर द कंट्रीज कॉलोनाइज बाई द ब्रिटिशर्स, कि ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज उन्हें बोला जाता है, कि ये वो कंट्रीज है जिन पर ब्रिटिशर्स ने जो है आकर राज किया था. देन सलमान रश्दी सेज डेफिनेशन ऑफ कॉमनवेल्थ इज बैड, कि सलमान रश्दी का कहना है कि कॉमनवेल्थ की डेफिनेशन जो है अब बदल चुकी है, अब ये जो है मतलब बुरी हो चुकी है. जब हम पहले बोलते थे कॉमनवेल्थ का मतलब होता है सभी का भला करना, बट अब ये कहते हैं कि कॉमनवेल्थ की डेफिनेशन इज़ बैड, यानी अब ये बदल चुकी है, अब जो है ब्रिटिशर्स ने आके ऑक्यूपाई करके जो है इस डेफिनेशन को ही पूरा बदल दिया है. कॉमनवेल्थ इन एक्चुअल सेंस मीन्स पब्लिक वेलफेयर, कि अगर हम सही मायने में कॉमनवेल्थ का अगर मतलब जाने तो इसका मतलब होता है पब्लिक का वेलफेयर करना. बट हेयर कॉमनवेल्थ मीन्स ब्रिटिश नेशंस प्लस ऑल द पॉलिटिकल कम्युनिटीज और नेशंस फाउंडेड बाई ब्रिटेन फॉर कॉमन गुड, कि मतलब ब्रिटिशर्स ने जो है अपने मतलब सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए जो है अब कॉमनवेल्थ का मतलब हो गया है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स लोगों की मतलब ब्रिटिशर्स लोगों की कम्युनिटी का फ़ायदा करना. और वो कैसे धीरे धीरे जो है इनसे जो मतलब वीक कंट्रीज़ हैं उनको ऑक्यूपाई करके ब्रिटिशर्स का खुद का भला करना, इसे मतलब कॉमनवेल्थ बोला गया है सलमान रश्दी की सेंस में. बट हेयर कॉमनवेल्थ मीन्स ब्रिटिश नेशंस प्लस ऑल द पॉलिटिकल ब्रिटिश कम्युनिटीज और नेशंस फाउंडेड बाय ब्रिटेन फॉर कॉमन गुड. सो अब जो है कॉमनवेल्थ की डेफिनेशन पब्लिक वेलफेयर ना रहकर सिर्फ ब्रिटिश लोगों का वेलफेयर करना बन चुकी है, इसीलिए सलमान रश्दी इस सेंस में बोलते हैं कि अब जो है कॉमनवेल्थ की डेफिनेशन जो है बुरी बन चुकी है, बैड. एनी कंट्री कॉलोनाइज बाय ब्रिटेन वॉज नोन एज कॉमनवेल्थ कंट्री, कि मतलब कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो हैं जिन पर ब्रिटिशर्स ने जो है अपना मतलब कॉलोनाइज किया था, मतलब राज किया था. इट प्रोड्यूस लिटरेचर नोन एज, एंड वो जो है वहाँ की मतलब जिन पर इन्होंने मतलब राज किया था वो कंट्रीज जो है लिटरेचर प्रोड्यूस करती हैं जिन्हें बोला जाता है कॉमनवेल्थ लिटरेचर. रश्दी पॉइंटेड दैट इंडियन सोसाइटी इंडियन लिटरेचर हैव अ कॉम्प्लेक्स एंड डेवलपिंग रिलेशनशिप विद इंग्लिश लैंग्वेज, कि रश्दी का कहना है कि इंडियन सोसाइटी इंडियन लिटरेचर का जो है इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन है. दिस काइंड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल डायलेक्टिक सेज इंडिया बिलोंग्स टू कॉमनवेल्थ लिटरेचर, कि इस तरह से हम बता सकते हैं जिस वे में इंडियंस जो है इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं. सो सलमान रश्दी का कहना है जिस तरह से इंडियंस इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो बोला जाता है इंडिया भी बिलोंग करता है कॉमनवेल्थ लिटरेचर से, बिकॉज इट एक्चुअली डज नॉट बिलोंग टू कॉमनवेल्थ लिटरेचर. फिर दिस काइंड ऑफ पोस्ट कॉलोनियल डायलेक्टिक सेज इंडिया बिलोंग्स टू कॉमनवेल्थ लिटरेचर, बट मतलब जिस वे से इंडियंस लोग इंग्लिश का यूज़ करते हैं सो सलमान रश्दी को बोल मतलब सोचते हैं मतलब सलमान रश्दी का कहना है कि लोग जो है इस वे जिस हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज को जो है लोग यूज़ करते हैं इंडियन लोग, तो उन्हें भी तो है मतलब बोला जाना चाहिए कि वो इंडिया भी जो है कॉमनवेल्थ लिटरेचर से बिलोंग करती है. बट सलमान रश्दी का ये कहना है कि असल में जो है इंडिया जो है कॉमनवेल्थ लिटरेचर से नहीं बिलोंग करती. क्यों? बिकॉज ब्रिटेन नेवर वांटेड टू डू वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, कि मतलब
अगर इंडिया को हम देखा जाए कि मतलब लोग बोलते हैं कि इंडिया भी कॉमनवेल्थ लिटरेचर को प्रोड्यूस करती है, बट सलमान रश्दी का कहना है कि नहीं, इंडिया नहीं बिलोंग करती कॉमनवेल्थ लिटरेचर से, क्योंकि इन मतलब ब्रिटेन्स का जो है इंडिया पर राज करने का सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश मोटिव्स थे, वो इंडियन लोगों का भला नहीं करना चाहते थे, उनका वेलफेयर नहीं करना चाहते थे। ब्रिटेन नेवर वांटेड टू वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। बाय यूजिंग कॉमनवेल्थ लिटरेचर दे आर ट्राइंग टू प्रेजेंट द आइडिया, और मतलब कॉमनवेल्थ लिटरेचर का यूज़ करके वो मतलब इस आइडिया को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि दैट ब्रिटिशर्स आर मास्टर्स, कि इंडियंस जब कॉमनवेल्थ लिटरेचर को यूज़ करते हैं तब वो ये आइडिया पोर्ट्रे करते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया पर मतलब राज करने आए थे सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल मोटिव के लिए, वो वहाँ के मास्टर बन चुके थे, वहाँ के जो है नेटिव्स को जो है मार्जिनलाइज करके खुद मास्टर्स बन गए थे। And the literature produced by the Commonwealth nations are produced by the slave people. और वो Indians ये भी मतलब सलमान रश्दी का कहना है कि जो literature Commonwealth nations द्वारा produce की गई है तो वो जो है मतलब स्लेव पीपल को उन्होंने एसोसिएट किया है। सलमान रश्दी कहना चाहते हैं कि वो लोग स्लेव हुआ करते थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ नेशन में रहकर जिस लिटरेचर को प्रोड्यूस किया है वो लोग स्लेव पीपल थे। सो उन्होंने जो है इस लिटरेचर को प्रोड्यूस किया है। कॉमनवेल्थ लिटरेचर यानी कॉमनवेल्थ लिटरेचर क्या सिम्बोलाइज करती है? मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। इंग्लिश इज़ नाउ इंडियनाइज। सो सलमान रश्दी का कहना है कि इंडियन मतलब इंग्लिश जो है अब इंडियनाइज बन चुकी है, मतलब ये जो है इंडियन वे में जो है फिक्स्ड हो गई है इंग्लिश। इंग्लिश ने जो है मतलब इंडिया ने जो है इंग्लिश को एक नया फ्लेवर देकर इंडियनाइज कर दिया है। दे आर यूजिंग इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज। अब क्या है, इंडियंस जो है इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इंडियंस हैव मेड इंग्लिश देयर ओन। इंडियंस ने क्या किया, इंग्लिश को अब खुद की बना लिया। वी आर पोजिशनिंग कॉमनवेल्थ राइटर्स आर बिलो ब्रिटिश राइटर्स, कि इनका कहना है सलमान रश्दी का कि कॉमनवेल्थ राइटर्स जो है उनकी पोजिशनिंग जो है ब्रिटिश राइटर से मतलब बिलो है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। एंड फ्रेंड्स, आपको अगर इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग।